हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग का प्लानिंग है कि हम लोग जाएंगे, थोड़ी देर में निकलेंगे कालिम्पोंग। अभी फ़िलहाल बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, एक्चुअली सुबह से बारिश स्टार्ट हो गया है, तो पता नहीं कालिम्पोंग हम लोग कितना घूम पाएंगे कितना नहीं, वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आज का हम लोग का रिसर्व का सफ़र ख़त्म होता है यहीं पे, और अभी हम लोग का सफ़र शुरू होगा कालिम्पोंग का। 5-10 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि बारिश ज़ोर से हो रहा है, तो थोड़ा सा देख रहे हैं कि कम हो जाए तो फिर निकलेंगे। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम माई होम स्टे। एक्चुअली आप लोग को दिखाई दे रहा होगा छोटा सा एकदम, वहाँ पे भी एक होम स्टे है और यहाँ पे भी एक होम स्टे है। मतलब ये वाला होम स्टे मिल जाए तो नज़ारा काफ़ी सुंदर है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर एकदम नज़ारा दिखने के मिलेगा, वो भी और भी सुंदर लगेगा। ये सब के लिए ना आपको पहले से ही बुकिंग करना पड़ेगा, अराउंड 1 मंथ या 2 मंथ पहले ही बुकिंग करना पड़ेगा, वरना मिलेगा नहीं। और ये वाला भी होम स्टे काफ़ी अच्छा है, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी, इसका फ़ोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वो भी काफ़ी सही है। सो यही था ऋषभ का सफ़र। सो हम लोग का कालिम्पोंग का सफ़र शुरू हो चुका है, एंड आई जस्ट होप कि आज का दिन भी अच्छा जाए। थोड़ा सुबह बारिश तो हो रहा था, लेकिन अभी मौसम काफ़ी सही है, और ठंडा ठंडा मौसम और ये नज़ारा। सो आज तो लौटने का एकदम ही मन नहीं है ये नज़ारा देखने के बाद, लेकिन क्या करें, लौटना तो पड़ेगा, वरना नेक्स्ट सफ़र कैसे शुरू करेंगे। एक्चुअली हम लोग के पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा कालिम्पोंग घूम नहीं पा रहे हैं, एंड हम लोग सिर्फ डेलो पार्क जो है कालिम्पोंग का, हम लोग सिर्फ वहाँ पे जाके घूमेंगे, और वहाँ से हम लोग का फिर रिटर्न है कोलकाता। सो फाइनली हम लोग आके पहुँच चुके हैं कालिम्पोंग का डेलो पार्क में, और जाने के लिए अंदर टिकट करना पड़ेगा। अच्छा, जनरल के लिए 20 रुपीज़, फॉरन के लिए 50 रुपीज़। सो एंट्री फी 20 रुपीज़ पर हेड। आज हम लोग आ चुके हैं डेलो पार्क में, तो टिकट हो चुका है, तो चलिए चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं अंदर का कैसा व्यू है, कैसा सीन है। काफ़ी सुंदर है जगह। चलिए, बारिश हुआ है तो थोड़ा सा नीचे वाला पानी पानी हो गया है, लेकिन काफ़ी ग्रीनी ग्रीनी दिख रहा है, बहुत सही। अच्छा, वहाँ पे आई लव कालिम्पोंग ना। जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर, क्या है देखने के लिए। वाह, बहुत सारा फ्लावर है यहाँ पे। थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या करें। आई थिंक ये लास्ट है ऊपर का व्यू, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है पार्क, आप आराम से एक आधा घंटा में ख़त्म कर सकते हो। एंड
दिस इज द व्यू। हम लोग बादल को क्रॉस करके जा रहे हैं, मतलब आगे का मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आगे क्या है कुछ भी नहीं दिखा दे रहा है, मुझे लगा थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन ये तो बढ़ते ही जा रहा है। तो कैसा लग रहा है आके यहाँ पे? पूरा धुआं है, मेघेर मुद्दे बुसे आची, वी आर ऑल इन क्लाउड, भाव लग जे, नाइस। जो कि 150 करके पर पर्सन लेता है, मैंने तो कर लिया, बहुत मज़ा आया करने में। ये एक राउंड एकदम यहाँ से लेके घुमा के पूरा इधर से लेके आएंगे। और अगर आप चाहो तो यहाँ का ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो पहन के भी आप यहाँ पे फ़ोटो शूट कर सकते हो, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ करके लेते हैं ये। ये है यहाँ का लोकल ड्रेस, अभी हम लोग का हॉर्स राइडिंग हो गया और यहाँ का जो लोकल ड्रेस में थोड़ा मेरा फोटोशूट भी हो गया, थोड़ा मैंने बहुत रील बना लिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। क्या है अभी गर्मी भी मतलब लग रहा है, मतलब पता नहीं मौसम थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा था, अभी ऊपर से बादल आ रहा है इतना। अच्छा ये शायद लास्ट पॉइंट है, इसके आगे है नहीं कुछ। तो यहाँ से नज़र अब कुछ ऐसे दिख रहा है, कुछ नहीं है, खत्म। मेरा उधर पे है, उधर भी ज्यादा है कुछ। अच्छा ये लास्ट पॉइंट है, दिस इज द व्यू। सो हम लोग का डेलोपार का सफर खत्म होता है आज यहीं पे। हम लोग का ट्रेन है रात को, तो इसलिए ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर यहाँ पे नहीं कर पाए। ये एक ही स्पॉट था, और भी दो तीन स्पॉट है लेकिन वहाँ पे नहीं जा पाए। और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप, जैसे कि अभी धूप हो रहा है तो सुबह इतना बारिश हो रहा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, नया जगह नई उम्मीद के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आया है तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय। इतना सारा मेघ आ गया है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली जिस दिन हम लोग लौट रहे थे उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, और यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के दिन इन लोग का कुछ फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो ये इसके लिए ज़्यादा भीड़ है। तो आप लोग देख पा रहे हो,